मैं चुनौती देता हूं कि कोई कोई हिम्मत हो तो हमारी पार्टी दी आदेश देगी तो प्रियंका जहां से लड़ेगी वहां से मैं चुनाव लड़ूंगा और भारत की जनता को दिखा दूंगा कि भारत की धरती पर लंगोटी का सम्मान होता है, चुनरी का सम्मान नहीं होता है। यहां चुनरी का सम्मान न कभी हुआ है न आज होगा। चैलेंज दे रहे हैं, खुली चैलेंज, खुली चुनौती देता हूं। पार्टी जिस दिन हमको कह देगी कि आपको राहुल के खिलाफ लड़ना है चाहे प्रियंका के खिलाफ लड़ना है, मैं उसी दिन से अपने घर से चलूंगा और शरीर लेकर के जाऊंगा और दिखाऊंगा कि जो है चरित्र में दम क्या होता है। मोदी जी के ध्वजवाहक हम लोग हैं मेरे भाई। मोदी के सामने प्रियंका नहीं, सात प्रियंका जैसे सात लोग आकर के लड़ लेंगी तो बनारस की धरती और भारत की धरती हमेशा लंगोटी का सम्मान करती है। लंगोटी का जो है विजय होगा और जो है चुनरी हारेगी। चुनरी में व्यापार होता है, कोई कमाता है कोई कमवाता है। अब महासचिव के रूप में अपनी बहन को उतार दिए तो मैंने वही रूल दिया कि जैसे राम रावण युद्ध में भी रावण ने अपनी बहन सुपर्णखा को रावण अपनी बहन सुपर्णखा को कूटनीतिक चाल में राम और लक्ष्मण के पास भेजा था कि इस पवित्रतम व्यक्तित्व को जो है नष्ट करने करके ही हम राम पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। वैसी स्थिति में आज प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जैसे रावण ने सुपर्णखा को भेजा था अपनी बहन को, तो अब जो है राहुल गांधी भी ठीक उसी प्रकार अपनी बहन प्रियंका जी को राजनीति में उतार दिए हैं। हम तो कह रहे हैं कि अब बाकी कहे के रखेंगे भाई, एक रावण आपके बहनोई भी जी भी आ जाए। अच्छा यही होगा कि बहन आ गई, अब बहनोई को भी एक महासचिव बना दीजिए किसी असम का चाहे आंध्र प्रदेश का एक क्षेत्र दे दीजिए ताकि कम से कम कोई कोर कसर बाकी न रहे।